रहन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम जमात है अव्वल वक्त है सुबह आठ बजे मजमून है उर्दू उनवान है तस्वीर की जगह लफ्ज़ आज की तारीख 21 दिसंबर साल 2020 टीचर अस्मा आरिफ मालगुनकर सी एन ओ है तोफीक मुलासा और अंसारी अशरफ अली साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैं अस्मा आरिफ मालगुनकर अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर मौलमा अपने तलीमी अंजाम दे रही हूँ आज हम आपसे मिलने आए हैं और आप और हम मिलकर कुछ बातें करेंगे और बातों बातों में कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे तो तैयार है ना आप लोग बिल्कुल इन बच्चों की तरह आप भी सलीके से हाथ बांध कर बैठे हैं बैठे हैं ना चलिए जल्दी से बैठ जाइए आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे और टीचर की हर बात बड़गौर सुनते हैं पता है आपको कि हमेशा कहते हैं कि तस्वीरें बोलती है। आपने कभी सुना है तस्वीरों को बोलते हुए महसूस किया है हाँ चलो देखते हैं कैसे बोलती है तस्वीरें अच्छा बताओ ये तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है शाबाश शेर नजर आ रहा है ये शेर जो है आपको क्या कहते हुए दिखाई दे रहा है आ रहा है आपकी तरफ चलते हुए अच्छा और ये ये भी तो एक शेर है तो इस शेर में और इस शेर में कुछ तो अलग है दोनों ही तस्वीरें हैं लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग बातें बता रही हैं दोनों ही शेर है ये भी एक शेर ये भी दो तस्वीरें लेकिन अलग कहानी बता रही है ऐसा लग रहा है कि शेर हमारी तरफ आ रहा है और इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि शेर बैठे आराम कर रहा है तो तस्वीरें बोलती है है ना देखो दो तस्वीरें हैं एक ही जानवर की लेकिन अलग अलग कहानी बता रही है तो आज हम कुछ तस्वीरों से सीखेंगे देखिए ये किस चीज की तस्वीर है बादल गरज रहे हैं बिजली चमक रही है और खूब बारिश हो रही है क्या इस तस्वीर ने हमसे कुछ कहा नहीं लेकिन तस्वीर देखकर हम बहुत कुछ समझ गए इसके बारे में है ना? तो तस्वीरें बोलती है अब हम तस्वीरों को सीखेंगे तस्वीरों की जगह हम देखिए इससे पहले टीचर ने आपको एक सबक में सिखाया था देखो और बोलो हमें देखना है और बोलना है आप इसे पहचाने कौन है ये ये कौन है शाबाश ये अनवर है ये अनवर है तो ये एक जुमला तैयार हुआ क्या नहीं बामानी जुमला ये अनवर है आपने इसे पहचाना ये आपकी दोस्त इसका नाम शाबाश नजमा ये नजमा है ये नजमा है इसी तरह आज हम अपने नए सबक की तरफ बढ़ेंगे आज का हमारा सबक है तस्वीर की जगह लफ्ज लिखकर जुमले पूरे करो हमें तस्वीर की जगह पर लफ्ज को रखना है और जुमला मुकम्मल करना है जुमला टीचर कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती है देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है आप इस हर्फ को बखूबी जानते हैं पढ़िए ये क्या लिखा है शाबाश आ।, आ, आ क्या आ ये क्या है तस्वीर पहचानिए शाबाश घर आ घर आ ये तस्वीर है घर और ये आ तो ये एक जुमला बना घर आ अब ये घर है इस तस्वीर की जगह पे हमें लफ्ज लिखना है तो हम इस तस्वीर को हटा देंगे और इसकी जगह पर लफ्जों में घर लिखेंगे देखिए टीचर ने लिखा है आप देखिए गौर देखिए ये घ है लाल सिहाई में और र है काली सिहाई में तो ये लफ्ज तैयार हुआ घर देखिए ये दो हरफों से मिलके ये एक लफ्ज बना है इसका मतलब निकलता है घर आ ये जुमला तैयार हुआ घर आ ये देखिए ये दो लफ्जों पे मुश्तमिल जुमला था आगे हम बड़े जुमले लिखना सीखेंगे देखिए तो ये तैयार बोलिए क्या लफ्ज है तैयार देखिए तैयार है तैयार है क्या तैयार है कौन तैयार है तस्वीर में देखिए कौन है ये ये क्या किस चीज की तस्वीर है कौन है तस्वीर में शाबाश ये तो एक दुल्हन है तो अब जुमला बनाइए तस्वीर की जगह पे तस्वीर का नाम तस्वीर के नाम दुल्हन तो अब जुमला बन गया आपका दुल्हन तैयार है दुल्हन तैयार है अब हमें क्या करना है कि तस्वीर को हटाकर इसकी जगह पर हमें लफ्ज लिखना है तस्वीर का नाम लिखना है तो तस्वीर में थी हमारी दुल्हन देखिए दुल्हन कैसे लिखते हैं दाल दाल के ऊपर पेश लह ये लाल स्याही में एक हर्फ है हकारी हर्फ और ये नून दुल्हन दुल्हन तैयार है ये देखिए ये तीन लफ्जों पे मुश्तमिल एक मुकम्मल जुमला है दुल्हन तैयार है एक मतबा टीचर के साथ पढ़िए शबाश दुल्हन तैयार है देखिए हम कितनी आसानी से जुमले पढ़ना सीख रहे हैं ना देखिए अब कौन सा जुमला आ रहा है ये कौन सा लफ्ज है कोशिश कीजिए पढ़ने की बहुत आसान है मेरा मेरा मुल्क मीम लाम का मुल्क देखिए जो हर्फ है एक एक हर्फ आ रहा है आप इसको जोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरा मुल्क मेरा मुल्क है मेरा मुल्क है क्या तस्वीर देखिए तस्वीर पहचानिए किसकी तस्वीर है शाबाश ये भारत की तस्वीर है भारत ये भारत का नक्शा है भारत बोलिए टीचर के साथ में भारत भारत मेरा मुल्क है अब हमने इसको तस्वीर के साथ जुमला पढ़ा अब तस्वीर की जगह पर तस्वीर का नाम लिखेंगे तस्वीर का नाम क्या है शबाश भारत। देखिए पहली आवाज को खूब पहचानिएगा हम देखो क्या लिखा है टीचर ने भारत भ जो है वो लाल सिहाई में लिखा है भारत जुमला साथ में पढ़िए भारत मेरा मुल्क है भारत मेरा मुल्क है अब देखिए इस जुमले में कितने लफ्ज है भारत मेरा मुल्क है ये जुमला तैयार हुआ हमारा हमने तस्वीर की जगह पर लफ्स को लिखा और जुमला तैयार कर दिया चलिए एक बार टीचर के साथ फिर एक बार दोहराएंगे शाबाश बच्चों भारत मेरा मुल्क है भले आपकी आवाज टीचर तक नहीं आती हो लेकिन आपकी हम टीचर की आवाज आप तक आ रही है और जब आप बोलेंगे तो आपके मुंह से तलफज जो निकलेगा उसको आप जब बार बार दोहराएंगे तभी आप सही बोलना सीखेंगे है ना भले टीचर आपको नहीं सुन रही है लेकिन आपके आ, कानों में आपकी आवाज जाएगी ना देखिए ये कौन सा लफ्ज बना कितना आसान लफ्ज है अलिफ मत आ ये अलिफिया आया 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 है।, आया है आया है आया है कौन आया है अरे तस्वीर में तो कोई नहीं है कुछ नहीं दिखाई दे रहा जुमला समझ में आ रहा है आपके नहीं ना देखेंगे ये कौन है पहचानिए इसे इसके आसपास में क्या चीजें दिखाई दे रही है आपको पहचाने आपने इसे शाबाश ये तो फल वाला है तो क्या बना जुमला तस्वीर की जगह पे तस्वीर का नाम रखिए और बोलिए शाबाश फल वाला आया है तस्वीर की जगह पे तस्वीर का नाम पढ़िए फल वाला आया है शाबाश अब क्या करना है शाबाश बिल्कुल सही तस्वीर को हटा देना है और तस्वीर का हमें नाम लिखना है यहाँ पर तस्वीर का नाम है थल वाला, थल वाला आया है देखिए कितने जुमले आप लिखना सीख रहे हैं पढ़ना सीख रहे ना वाला आया है देखिए ये कौन सा हकारी हर्फ है पहला शबाश हो पहला हमने क्या सीखे है भारत ये है फल वाला फल वाला आया है एक बार फिर टीचर के साथ पढ़िए फल वाला आया है देखिए अब कौन सा जुमला आ रहा है ये लफ्ज पढ़िए शाबाश मैं 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 पानी में पानी गर्म है मैं पानी गर्म है मैं पानी, पानी गर्म है क्या समझ में आ रहा है कुछ आ रहा है समझ में देखेंगे क्या है ये किस चीज की तस्वीर है पहचाने आपने शाबाश ये है थर्मास, थर्मास।, थर्मास, थर्मास। देखिए ये थर्मास है ना तो हम थर्मास के बाद लफ्स को जुमलों को पढ़ेंगे थर्मास में पानी गर्म है एक बार फिर पढ़िए थर्मास में पानी गर्म है अब हम क्या करेंगे इस लफ्ज की जगह तस्वीर की जगह पर लफ्ज लिखेंगे चलिए लिखिएगा ध्यान से देखिए देखो लाल सियाही में कौन सा हर्फ है कौन सा हर शाबाश थो मास थर्मास।, थर्मास में पानी गर्म है थर्मास में पानी गर्म है टीचर बार बार क्यों पढ़ रहे हैं ताकि आप लफ्जों को पहचानेंगे और इनको बाद में पढ़ेंगे आपकी किताब में सफा नंबर अड़तालीस पर इसकी मश्क है। आप इसको बार बार करेंगे ठीक है पढ़िए कौन सा लफ्ज आ रहा है पढ़िए शबाश हवा पढ़िए टीचर के साथ में हवा देखिए ये लफ्जों को पहचानिए हरफों को देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए हवा हवा चल चेला चल हवा चल से पढ़िए हवा चल रही है हवा चल रही है कैसी हवा चल रही है देखिए तो तस्वीर में कैसी हवा चल रही है शाबाश ठंडी हवा चल रही है तस्वीर में देखिए कैसी हवा लग चल रही है देखो ये इंसान ठुटुर रहा है ना ठंडी हवा तस्वीर की जगह पे हम लफ्ज लिखेंगे ठंडी ठो पहला हर लाल सिहाई में शाबाश ठो बोलिए टीचर के साथ में एक बार ठो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ठंडी हवा चल रही है शाबाश इन लफ्जों को हरफों को देखिए पहचानिए और अपने दिमाग में इसे कैद कर लीजिए आपको हमेशा याद रखना रखना है ना इन लफ्जों को देखिए कौन सा लफ्ज आ रहा है का फलिफ का, का पानी का का पानी पढ़िए का पानी बह का पानी बह पानी का पानी बह रहा है किस चीज का पानी बह रहा है देखिए तस्वीर पहचानिए इससे पहले भी आपने इस तस्वीर को देखा है किस चीज की तस्वीर है ये शाबाश ये तो एक झरना है तो झरने का पानी बह रहा है तो हम इस तस्वीर को की जगह पे लफ्ज लिखेंगे क्या लिखेंगे झरने झरने का पानी बह रहा है पहला है झ देखो लाल सिहाई में झरने का पानी बह रहा है अब देखिए है वापस खून नून खून खून चूसने खून चूसने वाहिफ वाह लामिफिला है खून चूसने वाला कीड़ा है भाई कौन है खून चूसने वाला कीड़ा अरे ये तो मच्छर है जो खून चूसता है है ना कभी कभी आपको भी काट लेता है और आपको वहां तकलीफ होती है है ना तो ये खून चूसने वाला कीड़ा है दिखता तो छोटा सा है लेकिन बहुत तकलीफ देता है अगर मलेरिया का कीड़ा काट ले तो बीमार हो जाते हैं ना तो हमें कीड़ों से दूर रहना चाहिए हा? तो ये है मच्छर बोलिए टीचर के साथ में मच्छर म छ र मच्छर, मच्छर। देखिए टीचर अब लिख कर बताएंगे आपको यहाँ पर तस्वीर की जगह पे मच्छर आया देखिए छ के ऊपर तशदीद है जब मच्छर पड़ा जाता है तो छ की आवाज दो मरतबा आती है, है ना इसीलिए यहाँ पर तशदीद बना हुआ है मच्छर मच्छर खून चूसने वाला कीड़ा है मच्छर खून चूसने वाला कीड़ा है चलिए हम आगे देखेंगे काफ पेड़ेड़े कपड़े कपड़े देखिए पढ़िए शाबाश कपड़े धो रहा कपड़े धो रहा है कौन धो रहा है ये कौन है आपने इसे पहचाना ये कपड़े धो रहा है ये कौन है शाबाश ये धोभी है कौन है धोभी तो तस्वीर की जगह पे हम लफ्ज लिख लेंगे ध बे ये बी धोबी धोबी कपड़े धो रहा है एक बार टीचर के साथ पढ़िए धोबी कपड़े धो रहा है इस जुमले में हर दो मरतबा आया है देखिए लाल सिहाई में लिखे है टीचर ने ये हर्फ है ध देखिए ये पूरा एक हर्फ है ध ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे भी एक ध है और यहाँ पर भी है टीचर ने इसे लाल सी हाई में लिखा है ताकि आप इसे खूब अच्छी तरह से पहचान ले रहा है टीचर ने पिछली बार आपको एक गीत भी सुनाए थे उसमें भी इन हरफों का इस्तेमाल था पढ़िए ये जुमला बजा बजाकर बजा बजा कर अब देखिये बलिफ बजा बजा काफरे कर, लाम, गाफ नून, अलिफ, ना, नाच बजा बजा कर लोग नाच क्या है ये क्या बजा रहे लोग बजा बजा कर लोग नाच रहे हैं क्या बजा रहे हैं ये किस चीज की तस्वीर पहचाने आपने शाबाश ये है ढोल बोलिए टीचर के साथ में ढोल ढोल बजा बजा कर लोग नाच रहे थे ढोल बजा बजा कर लोग नाच रहे थे तो अब हमें क्या करना है इस तस्वीर की जगह पर हमें लफ्ज लिखना है तो तस्वीर को हटा देंगे यहाँ से और तस्वीर की जगह पर हम लफ्ज लिखेंगे ढोल देखिए ये ढ लाल सियाई में लिखा है वाव लाम ढोल ढोल बजा बजा कर लोग नाच रहे थे शाबाश बच्चे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना देखिए अब कौन सा लफ्ज आ रहा है पढ़िए ये क्या है शाबाश दरख्त दरख्त के नीचे दरख्त के नीचे बे ये है दरख्त के नीचे बैठा है देखो यहाँ पर भी ठ है, है? ये हर्फ हकारी हर दरख्त के नीचे बैठा है अरे कौन बैठा है दरख्त के नीचे कैसे हम जानेंगे हम तस्वीर के जरिए जानेंगे कि दरख्त के नीचे कौन बैठा है कौन है पहचाने आप इसे देखिए कौन दिखाई दे रहा है एक छोटा सा बच्चा है नन्ना जवान है कौन है ये शाबाश ये एक बूढ़ा इंसान है तो क्या कहेंगे हम इसे बूढ़ा क्या कहेंगे बूढ़ा बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा है तो हम इस तस्वीर की जगह पर नाम लिख देंगे तस्वीर का नाम है बूढ़ा तस्वीर बोल रही है ना दरख्त के नीचे बैठा है बूढ़ा देखिए यड़ो है देखिये बेवाबो यूढ़ा देखिये लफ्जों को पहचानिए आप हाँ आपको आगे लिखना है ना इन लफ्जों को बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा है बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा है शाबाश मेरे बच्चे आप पढ़े अच्छे से पढ़े ये क्या है पेरे पर बच्चा पर बच्चा पर बच्चा बैठा ये देखो ठो पर बच्चा बैठा कुछ समझ में आ रहा है क्या है पर बच्चा बैठा है क्या है कुछ लव समझ जुमला समझ में आ रहा है जुमले का मतलब निकल रहा है नहीं अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ अरे ये क्या है बच्चा कहाँ बैठा है किस चीज पे बैठा है ये बच्चा पहचानो क्या चीज है पीछे किस चीज पे बैठा है बच्चा शाबाश ये तो खाट है है ना दिखाई दे रही आपको ये खाट और खाट पर बच्चा बैठा है खाट पर बच्चा बैठा है तो इस तस्वीर की जगह पर हम लिखेंगे खाट ताकि हमारा जुमला मुकम्मल हो सके ख ट खाट ख ट खाट देखिए ये ख जो टीचर ने लिखे हैं इसे पहचानिए ये, ये एक हर्फ है हकारी हर्फ और यहाँ पर भी ठ है इसे टीचर ने लाल सियाही में लिखे हैं खाट पर बच्चा बैठा है एक बार फिर टीचर के साथ में पढ़िए खाट पर बच्चा बैठा है वक्त व काफते वक्त बताती वक्त बताती है वक्त बताती है कौन बताती है कौन बताती है, कौन बताती है वक्त आपको ये कौन है तस्वीर में पहचानो शाबाश घड़ी घड़ी वक्त बताती है तो घड़ी की जगह तस्वीर की जगह पे लफ ये है घ घड़ी वक्त बताती है ये क्या है जिमलाम जल जिमलाम जल जल रहा है क्या जल रहा है क्या जल रहा है ये किस चीज की तस्वीर है शाबाश ये है चूल्हा चूल्हा, जल रहा है। चूल्हा जल रहा है। दिख रहा है ना आपको जलते हुए चूल्हा तो हम तस्वीर को हटा देंगे और तस्वीर की जगह पे हम लिखेंगे लफ्ज और लफ्ज चूल्हा कैसे लिखते हैं चे वापस उ ल और अ चूल्हा 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 जल रहा है चूल्हा जल रहा है अब हम आगे का लफ्ज देखेंगे बेरे बे रे तेन ते बर तन बर्तन आप लफ्जों को पढ़ रहे ना पहचान रहे ना, ध्यान से हाँ, बर्तन बना रहा बर्तन बना रहा है बर्तन बना रहा है कौन बर्तन बना रहा है देखेंगे हम तस्वीर के जरिए तस्वीर में आपको ये कौन दिखाई दे रहा है आप इसे पहचानते हैं शाबाश ये है कुम्हार कुम्हार हम लफ्ज लिखेंगे कुम्हार बर्तन बना रहा है अब देखेंगे ये है लफ्ज दूध दूध दाल वाव पेश ध धो है ये लाल सियाई में लिखा है ये एक हर्फ है ये दाल और वाव ये दो हर्फ है और ये ध ये एक हर्फ है इसीलिए देखो टीचर ने ऐसे एक साथ में एक सियाही में लिखा है दाल और वाव ये दो अलग अलग हर्फ है और ये धो है ये एक हर्फ है एक हर्फ है और ये दाल और वाव ये दो अलग अलग हर्फ है हाँ समझ में आ रही है टीचर क्या कहना चाह रहे हैं आपको ये जो ध एक अलग हर्फ है दाल वापस दूध ध दूध पी रहा है दूध पी रहा है कौन दूध पी रहा है देखिए ये कौन है अरे ये तो नन्ना है नन्ना दूध पी रहा है नन्ना देखिए एक और नया हकारी हर्फ जिसे हमने लफ्ज बनाए है न ना, ना, ना के ऊपर तस्दीद यानी हमें नह की आवाज को दो मरतबा लिख पढ़ना है और ओ, अलिफ ना न, 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 न देखो टीचर की जब पढ़ रहे हैं नह की आवाज को दो बार आ रही है ना नन्ना दूध पी रहा है बजा बजा कर बजा बजा कर लोग नाच रहे हैं दूध लाया दाल वापस दूध दूध लाया है कौन दूध लाया है देखिए ये कौन है शाबाश ये है दूध वाला तो हम दूध वाले की तस्वीर को हटाएंगे और लफ्ज लिखेंगे दूध वाला दूध लाया है हमने कितनी सारी चीजों को सीखा है ना आज हमने तस्वीरों के जरिए जुमले बनाए ने मुकम्मल किया तस्वीरों के जरिए हम लफ्जों को पढ़ना सीखे तस्वीरों को समझना सीखे अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत पैदा की हमें कि हम तस्वीरों को समझ सके है ना हमारे अम्मी अब्बा भी हमें देखते ही समझ जाते हैं है ना कि हमारा चेहरा ही कि हमें भूख लगी है हम खुश है हमें क्या चाहिए जिस तरह से आपने तस्वीरों को पढ़ना सीखा आपके अम्मी अब्बा भी आपकी शक्ल देख के समझ जाते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है उसी तरह अल्लाह ताला तो हमें बगैर देखे हमें वो तो हमें इतनी अच्छी तरह से जानता है कि हमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए हमारे लिए क्या बेहतर है और हम अल्लाह ताला से तो हर वक्त दुआएं करते रहते हैं है ना कि अल्लाह ताला हमें ये खिलौना दिला दो हमें ये कपड़ा चाहिए हमें हम हम बहुत सारी दुआएं करते हैं और दुआ तो हर वक्त मांगते रहना चाहिए अपने लिए अपने वाले के लिए अपने उस्ताद के लिए टीचर के लिए दोस्तों के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए है ना हमें तो दुआ हर वक्त मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला तो हमारी बहुत सारी दुआओं को कबूल करता है और जो दुआएं हमारे लिए अल्लाह ताला कबूल नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि अल्लाह ताला ताला समझ जानते हैं अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं तो अल्लाह ताला तो ता हमें वही चीज देते हैं ना जो हमारे लिए अच्छी होती है सही होती है हम तो अल्लाह ताला से बहुत कुछ चीजें मांगते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें वही चीज उसी वक्त देता है जब हमें उसकी जरूरत होती है और जो हमारे लिए बेहतर होती है तो हमें अल्लाह ताला से हर वक्त दुआएं करते रहना चाहिए और आप तो, तो दुआएं करो कि हमारी स्कूल जल्दी से खुल जाए ना हम तो कितनी दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से तो चलिए अब हमारा घर का काम तो हमने इतने सारे लफ्जों को सीखा जुमले सीखे तस्वीरों को पढ़ना सीखा तो अब हमारा ये काम है कि टीचर से अब, आपको ये तस्वीर दिखा रही है और ये ए लफ्ज है आ इ, है। तो आपको इस तस्वीर की जगह पर इस तस्वीर का नाम लिखना है ठीक है आपको सिर्फ दो जुमले घर के काम में दे रहे हैं टीचर ये तस्वीर को पहचान लिया आपने ये कौन है टीचर्स का नाम नहीं बताएंगे आप इसको पहचानिए और जुमला मुकम्मल कीजिए भी आया है तो आप ये दो लफ जुमलों को आप करके लाएंगे करेंगे और टीचर को एक कॉपी में ये जुमले लिखेंगे इसके अलावा आपकी मश्क है सफा नंबर अड़तालीस पर आपकी दसी किताब में सफा नंबर अड़तालीस पर तस्वीर की जगह लफ्ज लिख कर जुमले पूरे करो आपको ये तस्वीरों की जगह पे लफ्ज लिखने हैं और जुमले मुकम्मल करने हैं आपकी कॉपियों में और कापियों में से लिख कर आप फोटो निकाल के टीचर को सेंड करेंगे ठीक है चलिए अब आपने क्या सीखा और कितना समझा आपने ये देखने के लिए टीचर आपके लिए आपका छोटा सा टेस्ट लेंगे तो तैयार है आप लोग चलिए आप आप टेस्ट आपको टीचर लिंक भेज रहे हैं आप वो लिंक के जरिए पेपर हल करेंगे ठीक है चलिए सर uh, आप लिंक भेजिए ना और आपको तस्वीर की जगह पर मुनासिब लफ्ज़ की पहचान करनी है ठीक है तस्वीर को देखिएगा तस्वीर को समझिए और तस्वीर के नाम जगह पर आपको उसकी सही जगह लफ्ज पहचानना है देखिए ये तस्वीर में आपको कौन दिखाई दे रहा है तो ये तैयार है ये जुमला है तो तस्वीर में तस्वीर को पहचानना है तस्वीर का नाम पहचानना है देखिए यहाँ पर एक नाम है चूल्हा तस्वीर का नाम चूल्हा है भारत है या दुल्हन है आपको सही जुमला पहचानना है देखिए ये तस्वीर है और जुमला है ये तस्वीर और उसके बाद जुमला रहा है आया है तो ये तस्वीर किसकी है आपको इसको पहचानना है फल वाला है धोबी है या घड़ी है ठीक है उसके बाद है ये तस्वीर आगे का जुमला है कपड़ा धो रहा है तो कौन कपड़ा धो रहा है ये दूध वाला है ये धोबी है या ढोल है उसके बाद है तस्वीर का पानी बह रहा है तो तस्वीर झरने की है थरमास का पानी बह रहा है या घड़ी का पानी बह रहा है तस्वीर है वक्त बताती है घड़ी वक्त बताती है फल वाला वक्त बताता है आपको या ढोल वक्त बताता है देखिए आगे है तस्वीर तस्वीर का नाम आपको पह रहा है धोबी बज रहा है घड़ी बज रहा है या ढोल बज रहा है देखिए इसका नाम क्या है दुल्हन दुल्हन जल रहा है चूल्हा जल रहा है या मच्छर जल रहा है आगे है तस्वीर देखिए पहचानिए आप मेरा मुल्क है घड़ी मेरा मुल्क है झरने मेरा मुल्क है या भारत आपको तस्वीर की जगह पे सही लफ्ज पहचानना है तीन लफ्ज दिए गए हैं, उसमें से दो गलत है और एक सही है आपको सही लफ्ज को चुनना है और सबमिट का बटन दबाना है देखिए तस्वीर पहचानिए बर्तन बना रहा है तस्वीर में कौन है तस्वीर का नाम थरमास कुम्हार या फल वाला कौन बर्तन बना रहा है देखिए तस्वीर पहचानिए जुमला पहचानिए अभी आपने खूब अच्छी तरह से मश्क की है खून चूसने वाला कीड़ा है घड़ी धोबी मच्छर इतना आप करने के बाद सबमिट का बटन दबाइएगा ठीक है आप तो